हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में अपने डेप्रिसिएशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस वीडियो में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के एक और न्यूमेरिकल को करेंगे। इससे पहले के वीडियो में भी हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के एक न्यूमेरिकल भी किया था और इसके थ्योरिटिकल एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से समझा था। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, इससे पहले 5 वीडियोस में और डेप्रिसिएशन के चैप्टर के ऊपर पोस्ट कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे। अगर कोई मिस हो गया तो आप ज़रूर देखिए। मेरे अपने वीडियो के सीरियल नंबर्स 40 से 44 है। मेरी अपनी सीरियल नंबर चल रहा है, वीडियो सीरियल नंबर 40 से 44। ये आप ज़रूर देखिए, कंटिन्यूशन आपका बना रहेगा। आज हम अभी शुरू करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर। ये इलस्ट्रेशंस नंबर 20 है स्टूडेंट्स, TS ग्रेवाल से हमने ली है, पेज नंबर 14.31। आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस नहीं भी है तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपके वीडियो पे लगा दूंगा, जिससे आपको बड़ा इजीली आप उसको रीड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी, फिर हम इसको बोर्ड पर करेंगे। मैं एक दफ़े पूरा इलस्ट्रेशन पढ़ देता हूँ स्टूडेंट्स। ऑन 1 अप्रैल 2014, जेड लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1,20,000 एंड ऑन 30 सितंबर 2015 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹20,000। ऑन 30 जून 2016 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 which had cost of ₹5,000 was found to have become obsolete and was sold at scrap for ₹500। 2016 में एक मशीन बेची है, जून में बेची है, जो अप्रैल 2014 में खरीदी थी ₹5,000 की, उसको स्क्रैप में बेच दी ₹500 की। इट वॉज रिप्लेस्ड ऑन डैट डेट बाय ए न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹8,000। उसी दिन यानी कि जून 2016 में ही एक मशीन और खरीद ली गई ₹8,000 की। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, 2014 से लेकर 2017 तक का। तो अभी हम स्टेप वाइज चलते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 15% है, तो पहली लाइन है, ऑन 1 अप्रैल 2014 जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹1,20,000। 2014 अप्रैल 1, टू बैंक अकाउंट, मशीन खरीदी है कितने रुपए की, ₹1,20,000 की। स्टूडेंट्स, स्पेस की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा, प्लीज़ बियर विद मी। 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से, और इस साल का पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2015 मार्च 31 कितना डेप्रिसिएशन हो गया, बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000 पे अगर आप 15% करते हैं, 1,20,000 इंटू में 15%, तो 18,000 हमारे पास ये डेप्रिसिएशन आ गया फर्स्ट ईयर का। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट ईयर को क्लोज कर दिया, 1,20,000, 1,20,000 बैलेंस बचा 1,02,000 बाय बैलेंस CD 31 मार्च। पहला साल कंप्लीट हो गया हमारा। अब सेकेंड ईयर पे चलते हैं। सेकेंड ईयर में अब हम इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे, 2015 अप्रैल 1 की डेट में टू बैलेंस BD 1,02,000। अब देखते हैं, ऑन 30 सितंबर 2015 इट एक्वायर्ड एडिशनल मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹20,000। एक और मशीन ले ली गई है टू बैंक अकाउंट September 30 को। अब हमारे पास दो मशीन्स हो गई हैं, ये मशीन हम कर लेते हैं इसको मशीन नंबर 2।
ये हमारी मशीन नंबर वन चल रही है। अब हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन पहली वाली मशीन का भी और सेकेंड मशीन का भी। ईयर 2016 मार्च 31st, फर्स्ट मशीन का बैलेंस बाय डेप्रिसिएशन मशीन वन कर लीजिए इसको, और दूसरी मशीन बाय डेप्रिसिएशन M2 कर लीजिए। 1,02,000 पे आप 15% निकालेंगे, 15,300। ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। अब ये मशीन हमने 30th September को ली है, इसका मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च 6 months का हमने डेप्रिसिएशन 15% निकालना है। अगर 15% अगर एक साल का निकालते हैं तो हम कितना निकलता, 3,000 निकलता, 15 × 2 3,000 निकलता, तो 6 months का निकालना है तो 1,500 हो गया हमारा। क्लियर है, इतना डेप्रिसिएशन हमारा निकल गया। 6 महीने का हमने निकाला 15% के हिसाब से मशीन नंबर टू का। अब कितना बैलेंस रह गया हमारा, बाय बैलेंस CD मशीन नंबर वन और मशीन टू। इसको टोटल कर लीजिए 1,22,000। अब 1,22,000 ही यहाँ पे आना चाहिए विदाउट बैलेंसिंग फिगर निकाले हुए। मशीन वन की वैल्यू निकालनी है हमने, 1,02,000 में से 15,300 निकाल दीजिए, 86,700। ये मशीन वन की वैल्यू आ गई एट द एंड ऑफ 2016, मार्च 2016। अब मशीन टू 20,000 में से 1,500 निकाल दीजिए, तो ये आ गया 18,500। ठीक है, दो साल में कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्या अब 2016 का अप्रैल का ओपनिंग ले लीजिए, अप्रैल 1st टू बैलेंस BD मशीन वन और मशीन टू। मशीन वन का बैलेंस है 86,700 और मशीन टू है 18,500। अब इस ईयर में कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं। ऑन 30th June 2016 में, June 30th, वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन परचेज ऑन 1st April 2014 विच हैड कॉस्ट ऑफ ₹5,000 वॉज फाउंड टू हैव बिकम ऑब्सोलीट एंड सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹500। जून 2016 में एक मशीन को हमने बेचा है ₹500 में। जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हम चलिए पहले लिख ही देते हैं, बाय बैंक अकाउंट ₹500। इसके अलावा इट वाज रिप्लेस्ड ऑन दैट डेट बाय ए न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹8,000। एक और मशीन भी खरीद ली हमने जून 30th को ही। अब जून 30th की एक ट्रांजेक्शन और आ गई हमारे पास टू बैंक अकाउंट। कितने में लिए स्टूडेंट्स, ₹8,000 में। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट। अब हमारा क्या काम रह गया, अभी तो हमने ये देखना है जो एक मशीन जो जिसकी कॉस्ट ₹5,000 थी उसको बेचा है, उसका डेप्रिसिएशन निकालना है, रेस्ट ऑफ द मशीन्स का डेप्रिसिएशन निकालना है, फिर हमने देखना है कि हमें मशीन बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलिए पहले हम निकालते हैं जो हमने मशीन बेची है वो 1st April 2014 को उसकी वैल्यू थी ₹5,000। इट मीन्स ये जो मशीन है 1st April 2014 को हमने ये वाली मशीन खरीदी थी, आप ये मान के चलो कि इस मशीन का ये एक पार्ट है, इसको हम वर्किंग नोट में लेंगे। अब 31st March 2015 को 15% के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस मशीन के ऊपर लगा जिसकी कॉस्ट 5,000 है। 15% कितना हो गया, ये हो गया ₹750। तो बैलेंस रह गया ₹4,250। अब आ जाइए 31st March 2016, एक साल बाद अब 4,250 पे अब 15% और लगाते हैं हम, तो ₹638 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है। ये इसको और माइनस कर देते हैं,
4250 माइनस में 638 3612। इट मीन्स 1 अप्रैल 2016 को यही वैल्यू थी। अब ये मशीन को बेचा कब है? जून में। इसका मतलब हमें 3 महीने का, अप्रैल मई जून, 3 महीने का हमें डेप्रिसिएशन इस पे लगाना पड़ेगा, तब हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी जिस टाइम पे ये बिकी है। हमें डेप्रिसिएशन तब तक निकालना पड़ता है अप टू द टाइम ऑफ सेल। अब 3612 पे हम अगर 15% डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो 542 आता है। इसको आप अगर 12 महीने से डिवाइड कर लीजिए और 3 महीने से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 135 रुपीज़ आएगा इसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन। इसको हमने क्या किया है, इनटू में 15 और डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 3/12 हमने ये किया है, तब इसका आंसर आ गया 135। अब इसकी वैल्यू रह गई 3612 माइनस में 135 3477। अब देखिए एट द टाइम ऑफ सेल इसकी की जो कॉस्ट थी या वैल्यू थी 3477 रह गई है, और हमने इसको बेची कितने में, सिर्फ से 500 रुपीज़ में बेची है। सो वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है एट द टाइम ऑफ सेल, 3477। ये कौन सी डेट को है, 30th जून 2016 को वैल्यू है इसकी ये वाली, और हमने सेल करी है 500 रुपीज़ में। तो इसका मतलब हमको लॉस कितना हुआ, 2977, ये हमारा आ गया लॉस। अब लॉस हुआ है तो हम मशीन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे लॉस अमाउंट से बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2977। अब हमारे पास एक काम रह गया है, डेप्रिसिएशन निकालना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस किस का निकलेगा, इन सभी मशीन्स का निकलेगा। चलिए निकालते हैं, मशीन वन का, मशीन वन ए कह लीजिए इसको, ये वाली मशीन जो 5000 है ये इसी मशीन का पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको 1A लिख दिया जस्ट फॉर द रिकन्सिलेशन कि कौन सी मशीन है। इसके बाद ये मशीन टू है, मशीन टू का भी निकालना है। इसके बाद ये वाली मशीन एक और खरीदी है, मशीन थ्री, M3। इन सब मशीन्स का हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। मशीन 1A का डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स हम निकाल चुके हैं, 1 अप्रैल को हमारी वैल्यू थी 3612। उसके बाद 3 महीने का हमने डेप्रिसिएशन 135 निकाला था, तो मशीन 1A के आगे तो आप 135 लिख सकते हो, जो चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम मशीन 1 का डेप्रिसिएशन निकालना है। मशीन 1 ये वाली हमारी मशीन है, 86,700 हमारा ये मशीन की वैल्यू है ऑन 1 अप्रैल 2016। बट इस मशीन के अंदर ये वाली मशीन जो से 5000 रुपये की थी ये भी इंक्लूडेड है। इस मशीन में से हमें पहले इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। 1 अप्रैल 2016 को ये मशीन की वैल्यू थी 3612 रुपीज़। तो अगर हम 86,700 में से हम ये मशीन की वैल्यू निकाल दें 3612, ये तो बिक चुकी है ना मशीन, ये भी 1 अप्रैल 2016 में है, ये भी 1 अप्रैल 2016 में है। इस मशीन की वैल्यू हम निकाल देते हैं तो बैलेंस मशीन्स की रेजिडुअल वैल्यू बच जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 83,088। अब 83,088 पे हमें 15% डेप्रिसिएशन निकालना है, इस पे हम 15% निकाल लेते हैं, 83,088 इनटू में 15% फुल ईयर का, तो ये आ जाता है 12,463 रुपया, 12463। समझ में आया स्टूडेंट्स? दोबारा से जल्दी से बता देता हूँ, हम मशीन वन का हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, 86,700 इसकी ओपनिंग वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ 1 अप्रैल 2016। इसमें से हमने जो मशीन बिक गई है और जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2016 को 3612 थी वो निकाल दिया, ये हमने इसमें से निकाल दिया, तो बैलेंस मशीन्स की वैल्यू बची 83,088। इसके ऊपर हमने 15% निकाल दिया पूरे साल का, क्योंकि ये मशीन से अभी चल रही है हमारी, तो ये आ गया 15% आ गया हमारा 12,463 रुपीज़। क्लियर है? अब आ जाइए M2। तो इस मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 2016 को 18,500 है, हमने इस पर 15% पूरे साल का डिप्रेशन लगा दीजिए 2775।
अब एक M3 रह गई है, ये हमने जून में ली है, इसका मतलब जुलाई से हमें लगाना पड़ेगा मार्च तक का, तो 9 महीने का हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो 8,000 इंटू में 15%, 1,200 रुपया, 100 रुपये इसका मतलब पर मंथ है, 1,200 रुपये पूरे साल का है, इट मीन 100 रुपये पर मंथ, तो 9 मंथ्स का लगाना पड़ेगा, तो 900 रुपीज़ आ गया हमारा। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गए हमारे सारे। अब स्टूडेंट्स हमारे सारे काम हो चुके हैं, अब सिर्फ से बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। एक बैलेंसिंग फिगर आप निकाल सकते हैं ये टोटल करके, और उसमें से ये माइनस कर दें तो बैलेंसिंग फिगर एक ही आप अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इंडिविजुअल मशीन की बैलेंसिंग फिगर निकालें। अगर आप पहले वाले तरीके से भी आप करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपको और अच्छे से समझने के लिए आपको इंडिविजुअल मशीन्स की बैलेंसिंग फिगर निकालनी चाहिए। चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगी ये। बाय बैलेंस CD, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, हम तीनों का अलग अलग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, फिर ये इस कॉलम का टोटल इसके टोटल के हिसाब से अपने आप टैली होगा। चलिए निकालते हैं। मशीन 1 की बैलेंसिंग फिगर थी 86,700, हम इसमें से ये वाली मशीन बेच चुके हैं 3,612, जो इसका 1 अप्रैल 2016 को वैल्यू थी 3,612, तो इसकी वैल्यू रह गई थी 83,088 रुपीज़ एज ऑन 1 अप्रैल 2016 को। इसमें हमने मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगाया है 12,463। अगर हम ये इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारी बैलेंसिंग फिगर मशीन 1 की आ जाएगी। इसकी ये आ गया 70,625। अब मशीन 1 के आगे लिख दीजिए 70,625 रुपीज़। अब चलते हैं मशीन 2 पे। मशीन 2 18,500, इसमें से आप बैलेंस निकाल दीजिए, बस सिंपल है। तो 18,500 में से मशीन 2 पे हमने बैलेंस लिया है 2775, 15,725, 15,725। और मशीन 3 8,000 माइनस में 900, तो 7,100। अब अगर आप ये टोटल करेंगे और इस टोटल का बराबर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सारी ठीक है। चलिए इसका टोटल करते हैं, 86,700 प्लस में 18,500 प्लस में 8,000, ये आ गया हमारा 113,200। इसको आप वर्किंग नोट है, ये बाहर रखना है हमने। और अब इधर का टोटल कर लेते हैं हम। फाइव हंड्रेड टू नाइन डबल सेवन 12,463 135 2,775 900 70,625 15,725 एंड 710 11,300 11,320। तो देखा स्टूडेंट्स हमारा ये देखिए अपने आप टैली हो गया, इसका मतलब कहीं कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं छोड़ी हमने। अगर हम यहाँ पे सिर्फ से इसमें इस टोटल में से ये माइनस कर देते बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि मशीन 1 की वैल्यू इतनी है, 2 की वैल्यू इतनी है, 3 की वैल्यू इतनी है। कब है ये? 2017 को मार्च 31st। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट की कोई गुंजाइश मैंने छोड़ी नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाऊँ। आपकी जो बुक में इन सब की वैल्यू इंडिविजुअल नहीं दिखाई हुई है, ये इंडिविजुअल मैंने आपको समझाने के लिए दिखाई है, यहाँ पे भी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिखाई है, उन्होंने सब मिक्स करके टोटल दिखा दिया है। तो टोटल दिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको अलग अलग दिखाएंगे तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा। अब मैं चाहता हूँ इसी एग्जाम्पल को हम करें, व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ मेंटेन्ड, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हमने इसका परफॉर्मा बनाया हुआ है, हमने सिर्फ से अब इनको फिगर्स पुट करनी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जब तक कि मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तब तक मैं आपको करवाता जाऊँगा। अच्छे से हम और इलस्ट्रेशन भी करेंगे अभी। सेकेंड मैथड में जहाँ हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पर मशीन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाते हैं, हम इसमें एक प्रोविज़न बना लेते हैं, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की, और उसको एक्युमुलेट करते चले जाते हैं।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल का डेप्रिसिएशन ऐड होता चला जाएगा, और मशीन अकाउंट में मशीन की ओरिजिनल वैल्यू को ही हम दिखाते रहेंगे एवरी ईयर। अब देखिए 2014 में हमने अप्रैल फर्स्ट को मशीन ली टू बैंक अकाउंट सेम 120,000। अब इसकी पूरी की पूरी मशीन की वैल्यू हम एज इट इज दिखाएंगे नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग पे, मीन्स 2015 मार्च 31st ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। डेट्स ऑल, पहले सेल की एंट्री सिर्फ से इतनी ही होगी। सेकेंड ईयर पे आ जाइए, यहाँ पे बैलेंस बीडी आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी 120,000, और ये 2015 चल रहा है हमारा अप्रैल फर्स्ट, ठीक है। इस साल में हमने एक मशीन और ली है 20,000 की, कौन सी डेट को ली है स्टूडेंट्स, टू बैंक अकाउंट 20,000, टोटल हो गया हमारा 140,000 सितंबर 30, ठीक है। अब एज इट इज इसको यहाँ पे दिखा दीजिए, बाय बैलेंस सीडी 140,000। ये आ गया 2016 मार्च 31st, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब 1 अप्रैल 2016 आ जाइए, 2016 ये 15 हो गया 14, अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 140,000। इसके अलावा एक मशीन और खरीदी है जून 30th को टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपीज़ की, तो टोटल हमारे पास हो गई है 1,48,000। अब आ गया 2017, सबसे पहले जो हमने मशीन बेची है ये 5,000 रुपीज़ वाली, वो इसमें इंक्लूडेड है। अब हमें उसका पूरा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, मशीन अकाउंट में से 5,000 रुपीज़ की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ था इसमें देखिए, थी वो बाय बैंक अकाउंट 500 की बिकी थी, लॉस हुआ था हमें बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये था हमारा 2,977, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन दिस मशीन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था 750, 638 और 135, 750 प्लस में 638 प्लस में 135, ये है 1523। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो स्टूडेंट 5,000 आना चाहिए। इससे हमारा पता लग रहा है कि हमारा ये कैलकुलेशन ठीक है। अगर 5,000 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि 1,40,000 में से हमने 5,000 को माइनस करना है। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, 1,48,000 माइनस में 5,000, 1,43,000। अब इतनी मशीन्स हमारे पास बची हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आ गया बाय बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस हमारे पास स्टूडेंट्स आया है 2017 मार्च 31st, ये जो था 2016 के जून में बिका है, तो हम इसको 2016 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते रहेंगे एवरी ईयर। 31st मार्च को हमारा 2015 ये क्रेडिट बैलेंस होता है हमारा हमेशा, तो मार्च 31st को हमारा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 18,000 रुपीस। फर्स्ट ईयर में हमारा 18,000 था, बस क्लोज हो गया हमारा यहाँ पे अकाउंट 18,000 रुपीस। अब इसको आप टू बैलेंस सीडी कर लीजिए 2015 में
March 31st। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये बैलेंस सीडी को आप यहाँ पे ब्रॉड डाउन करिए बाय बैलेंस बीडी, कौन से ईयर में, 2016 में March 31st 18,000 तो ये आ गया। और ये जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था ये और ऐड हो जाएगा इसमें 15,300 एंड 1,500। ये था मशीन वन का और मशीन टू का, M1 और M2 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इनका टोटल कर लेते हैं। 18,000 प्लस में 15,300 प्लस में 1,500 34,800 बस ये हो गया सेकंड ईयर 34,800 टू बैलेंस सीडी 34,800 2016 March 31st। ठीक है, आई होप कि अब तक तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब जो लास्ट ईयर है ये 2016, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपने, इसमें कहीं गलती ना कर देना। स्टूडेंट्स अक्सर इस लास्ट ईयर में गलती कर देते हैं। इस बैलेंस को अब ब्रॉड डाउन करते हैं बाय बैलेंस बीडी 34,800। ठीक है, ये कौन सी डेट में हुआ हमारा, 2016 में April 1st में। अब हमने यहाँ पे सारे डेप्रिसिएशंस लिखने हैं, सभी मशीन्स के डेप्रिसिएशंस करंट ईयर के, पुराने साल के तो हम यहाँ सब आ चुके हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और उनका हमने बैलेंस भी यहाँ लिख दिया है। अब मशीन वन ए और मशीन टू और मशीन थ्री, इन सारे डेप्रिसिएशंस हमने निकाले हुए हैं, इन सबको आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय डेप्रिसिएशंस अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशंस अकाउंट मशीन वन ए मशीन टू एंड मशीन थ्री 12,463, 12,463, 135, 2,775 और 900। बस अब इसको हमने टोटल करना है 34,800 12,463 प्लस में 135 प्लस में 2,775 प्लस में 900। हमारा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 51,073 रुपीज़ है। अब स्टूडेंट्स 51,073 में हमारी वो मशीन का डेप्रिसिएशन भी है जो हमने बेच दी है। अब उसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था वो हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, अकाउंट तो क्लोज करना ही है ना उस मशीन का, तो वो था 750 प्लस में 135 1,523 रुपया। ये हमको अकाउंट क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा टू मशीन अकाउंट, कौन सी डेट में, जिस डेट पे बिकी है ये, और ये बिकी है हमारी June 30th को 2016। अब 51,073 में से अगर हम ये निकाल देते हैं तो हमारा बैलेंस आ जाता है 49,573 टू बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस आ जाएगा हमारा 2017 March 31st। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 20 करी है TS ग्रेवाल से, आपकी बुक में इस सेकंड मेथड से करने को नहीं कहा था, ये हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए सेकंड मेथड जो हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसमें बनाते हैं उसके हिसाब से हमने बनाया, और आपको समझाने के लिए कि आपको दोनों मेथड्स में डिफरेंस पता लग जाए किस तरह से है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा एज सून एज पॉसिबल। आज के वीडियो में सिर्फ से इतना ही है, अभी हम और डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इनकी और प्रैक्टिस करिए डेप्रिसिएशन की, बहुत सारी इलस्ट्रेशन आपके बुक में पीछे भी दी हुई हैं अनसॉल्वड, और इलस्ट्रेशन भी दी हुई हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।